एक वैधानिक चेतावनी, भारतीय न्यूज चैनल्स देखना आपके लिए मानसिक, शारीरिक और नैतिक तौर पर हानिकारक साबित हो सकता है। आप देख रहे हैं न्यूज चक्र, मैं अभिसार शर्मा। आज जिन मुद्दों की पड़ताल हम करने जा रहे हैं वो कुछ इस तरह से हैं। मुद्दा नंबर एक, स्टॉप वॉचिंग न्यूज चैनल्स। मुद्दा नंबर दो, मोदी सरकार का खतरनाक यू टर्न। और एक और अहम मुद्दा आपके सामने होगा, गलत बयानी, नफरत, कायरता। जब ये तीन शब्द न्यूज चैनल्स के साथ जुड़ जाएं, तो क्या उन पर एतबार किया जा सकता है? देखिए, मुझे ये बात समझ नहीं आती कि न्यूज चैनल्स भारतीय जनता पार्टी को लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की तरह क्यों ट्रीट करते हैं। द वन हु कैनॉट बी नेम्ड, वो जिसका नाम नहीं लिया जा सकता, वो जिससे सवाल नहीं किए जा सकते, वो जिसकी आलोचना नहीं की जा सकती। अरे भाई, बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मगर भारतीय जनता पार्टी को लेकर जिस तरह से न्यूज चैनल्स की खिड़की बंद जाती है वो तो वाकई हास्यास्पद है। तो चलिए, कुछ शब्दों का मैंने इस्तेमाल किया, सबसे पहले बात करते हैं कायरता की। और मैं शुरुआत करना चाहूंगा अमित शाह के इस वीडियो के साथ। दोस्तों, खबर यह नहीं कि अमित शाह किस तरह से एक मंच से उतरते उतरते गिर जाते हैं, खबर नहीं है। खबर तस्वीर का यह पहलू है कि जब वो गिर जाते हैं और एक व्यक्ति उन्हें उठाने की कोशिश करता है तो किस तरह से अमित शाह उसका हाथ झटक देते हैं। अब कुछ देर के लिए कल्पना कीजिए, यही बात राहुल गांधी ने की होती, सचिन पायलट ने की होती, मायावती ने की होती, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया होता, तो न्यूज चैनल्स में किस तरह का तूफान आ गया होता। राहुल गांधी का अहंकार, आखिर किस तरह की हठधर्मिता है ये, किस तरह का एरोगेंस है ये। मगर अमित शाह ये सब कर गए और लगातार खामोशी बनी रही। भूल जाइए इस तस्वीर को, अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूं वो एक कदम और आगे जाकर है। सुनिए एक रैली में अमित शाह कहते क्या है। ये पुलिस का जवान खड़ा है, वो भी बैठ जाए जरा। ओए ओए, बैठ जाओ नीचे। अमित जी, ओए ओए तिरछी टोपी वाले को तो सूट करता है, प्यारी पगड़ी वाले को कभी सूट नहीं करता है। ओए ओए, ओए ओए। जी हां, तो आपने देखा कि किस तरह से, किस गुस्से में, किस अहंकार में अमित जी ने यह भाषा का इस्तेमाल किया। मगर इस पर किसी तरह का कोई डिबेट नहीं। डिबेट किस बात पर हो रही है, मैं आपको दिखाता हूं। डिबेट इस बात पर हो रही है कि राहुल गांधी का गोत्र क्या है। आप कैसे चले उधारी हैं, आप कैसे हिंदू हैं, जो आज अपना गोत्र तक बता नहीं सकता। आप कहते हैं आप चले उधारी हैं, तो मैं पूछता हूं क्या गोत्र है आप? जी हां, मानो राहुल गांधी का गोत्र एक नेशनल इश्यू बन गया है, एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। अर्थव्यवस्था में खलबली मची हुई है, सीबीआई में गैंग वॉर चल रहा है, देश भर का किसान राजधानी में उतरा, उसने संसद भवन तक मार्च की, मगर ये तमाम मुद्दे मीडिया के सामने बौने साबित हो गए। मुद्दा क्या है? राहुल गांधी का गोत्र। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि राहुल गांधी के गोत्र को उठाने के पीछे का लॉजिक क्या है, इस बात को सिलसिलेवार तरीके से समझिएगा। सबसे पहले, ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, क्योंकि जब सियासत भारतीय जनता पार्टी के पाले में होकर खेली जाएगी तब कांग्रेस हमेशा से ही कमजोर साबित होती है। दूसरी बात, जब भी कांग्रेस ने इस तरह के मुद्दों को उछाला है, चाहे वो राहुल गांधी का टेंपल रन हो, उनकी शिव भक्ति हो, तो उसके जरिए उसने सॉफ्ट हिंदुत्व का एक चेहरा पेश करने की कोशिश की है। और जब भी हिंदुत्व का खेल कांग्रेस खेलती है, बीजेपी हमेशा उस पर भारी साबित होती है। तो राहुल गांधी के गोत्र के मुद्दे को उठाने की वजह भी यही है दोस्तों। और आप जानते हैं, अगर इस मुद्दे को सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता उठाते तो बात समझ आती,
भारतीय जनता पार्टी के मंत्री तक इसमें कूद पड़े, हर्षवर्धन और स्मृति ईरानी। हर्षवर्धन से शुरुआत करते हैं। कहने को ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री हैं, मगर इस मुद्दे पर उन्होंने क्या कहा, मैं आपको इनका ट्वीट पढ़ के सुनाना चाहता हूं। हर्षवर्धन कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू का गोत्र दत्तात्रेय था क्योंकि वो ब्राह्मण थे, उनके बच्चों को उनसे वही गोत्र विरासत में मिला। इंदिरा जी अपने पिता का गोत्र अपने बच्चों में ट्रांसफर नहीं कर सकती, इसीलिए राजीव गांधी का गोत्र एक पारसी का बेटा होने के नाते दत्तात्रेय नहीं हो सकता। क्या राहुल गांधी अपनी सही पहचान प्रस्तुत करेंगे? अब मैं हर्षवर्धन जी से कहना चाहता हूं, हर्षवर्धन जी, कुछ दिनों पहले मैंने आपकी ये तस्वीर इंटरनेट पर देखी थी जिसमें आप मटर छील रहे थे। हर्षवर्धन जी, मटर छीलने का काम बंद कीजिए। आप देश के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं, पिंडदान मंत्री नहीं हैं। अपने महकमे से जो है ताल्लुक रखिए, उससे मत भटकिए। अब हम बात करते हैं माननीय स्मृति ईरानी जी की। स्मृति ईरानी जी कहती हैं, मेरा गोत्र कौशल है सर, जैसे मेरे पिता और उनसे पहले उनके पिता और उनसे पहले उनके पिता का था। मेरे पति और मेरे बच्चे ज़ोरास्ट्रियंस हैं, इसीलिए उनका गोत्र नहीं हो सकता। मेरा सिंदूर इस बात का प्रमाण है कि मैं एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हूं। अब वापस काम पर लग जाइए। ये बात अलग है कि स्मृति जी ने यह ट्वीट डिलीट कर दिया बाद में, पता नहीं क्यों डिलीट कर दिया। स्मृति जी ये भी कहती हैं कि एक पब्लिक फिगर होने के नाते मेरा धर्म है कि मैं हर सवाल का जवाब दूं, चाहे वो जितना भी गुस्सा दिलाने लायक हो। मुझे गर्व है कि मेरा धर्म हिंदुस्तान है, मेरा कर्म हिंदुस्तान है। तो स्मृति जी, जब आप कहती हैं कि सवालों के जवाब दिए जाने चाहिए, तो लगे हाथ आप इस सवाल का भी जवाब दे दीजिए कि साल 2004 में आपने क्यों कहा था कि आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए डिग्री हासिल की है और फिर ये बदलकर साल 2014 में बीकॉम पार्ट वन हो गया। क्या आपको नहीं लगता कि इस सवाल का भी जवाब दिया जाना चाहिए? नहीं ना। दोस्तों, आप इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में ये शख्स हिंदुओं के पावन धार्मिक चिन्ह स्वास्तिका पर खड़ा हुआ है। यह तस्वीर अमित शाह की टाइमलाइन पर दिखाई दे रही है, जिसमें इस रैली में, जो कि भारतीय जनता पार्टी की रैली है, यह शख्स हमारे पावन धार्मिक चिन्ह पर खड़ा हुआ है। अब सोशल मीडिया में इस बात की चर्चा है कि यह शख्स अमित शाह है, क्योंकि यह तस्वीर जो है, कम से कम यह पगड़ी वाली तस्वीर अमित शाह की ट्विटर टाइमलाइन पर है। मगर क्या आपने किसी न्यूज चैनल में इस बात को लेकर बहस सुनी कि अमित शाह ने किस तरह से हिंदू धर्म का अपमान किया? नहीं सुना ना आपने। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, क्या मुझे लगता है इसमें अमित शाह ने हिंदू धर्म का अपमान किया है? मेरी निजी राय है कि नहीं किया है, और मैं आपको बताता हूं क्यों। वो इसलिए क्योंकि देखिए, कोई भी जानबूझकर धर्म का अपमान नहीं करता है, खासकर हमारे राजनेता जो कि जिम्मेदार पदों पर है। मुझे आपत्ति किस बात पे है? मुझे आपत्ति है दोहरे मापदंड पर, डबल स्टैंडर्ड्स पर। क्योंकि इनकी जगह पर अगर राहुल गांधी होते या फिर अखिलेश यादव होते या मायावती होती तो मीडिया में भूचाल आ जाता, मगर चूंकि अमित शाह है लिहाजा खामोशी है। मुझे आपके इस दोहरे मापदंड पर आपत्ति है। और अब बारी गलत बयानी की, मीडिया द्वारा नफरत फैलाने की, जो कि हमारा दूसरा मुद्दा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले हफ्ते किस तरह से न्यूज चैनल्स में इस बात को लेकर डिबेट हो रही थी कि कांग्रेस का जो तेलंगाना का घोषणा पत्र है उसमें सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए खास तौर पर ऐलान किए गए हैं। बाकायदा मीडिया चैनल्स में हैशटैग्स लगाकर इसको लेकर डिबेट्स हुए। ये तस्वीरें उस बात की बानगी हैं, मगर क्या यह हकीकत थी? क्या मीडिया ने आंशिक तौर पर सत्य को पेश किया? जी हां, इस बात की पड़ताल हुई और पड़ताल में चौंकाने वाली बात सामने आई। सबसे पहला दावा क्या किया गया था दोस्तों? न्यूज चैनल्स ने सबसे पहला दावा यह किया था कि मुस्लिम युवाओं को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स में विशेष अवसर दिए जाएंगे। हकीकत क्या थी दोस्तों? अगर आप उस मैनिफेस्टो पर निगाह डालें तो स्पष्ट हो जाता है। हकीकत यह थी कि यह भी कहा गया था कि जिन लोगों ने तेलंगाना आंदोलन में भाग लिया
उन्हें 50% सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स और सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स का 5% हिस्सा एससी और एसटी और अन्य ग्रुप्स को भी दिया जाएगा, मगर इन न्यूज चैनल्स ने इसे छुपा दिया। दावा नंबर 2, 20 लाख रुपए वित्तीय मदद गरीब मुस्लिम छात्रों के लिए दी जाएंगी। यह भी सरासर गलत था, क्योंकि मैनिफेस्टो में लिखा गया है कि जो गरीब मुस्लिम छात्र हैं उनको 20 लाख रुपए ओवरसीज एजुकेशन यानी कि जो बाहर एजुकेशन लेते हैं उसके लिए दिया जाएगा। और यही नहीं, मैनिफेस्टो में यह भी लिखा गया है कि 25 लाख रुपए एससी एसटी माइनॉरिटीज ओबीसी और इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन को दिए जाएंगे 25 लाख रुपए। और क्या आप जानते हैं कि ईबीसीज में कौन आते हैं? इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शन में आते हैं ब्राह्मण, रेड्डी, वैश्य, कम और वेलमा। तो क्या मीडिया ने यह बात बताई? नहीं बताई। दावा नंबर तीन यह किया गया कि मुस्लिम विद्यार्थियों के लिए विशेष रिहायशी स्कूल, स्पेशल रेजिडेंशियल स्कूल्स फॉर मुस्लिम्स, जो गलत था क्योंकि मैनिफेस्टो में यह लिखा गया था स्पेशल रेजिडेंशियल स्कूल्स फॉर गर्ल्स बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी। और यही नहीं, मैनिफेस्टो में यह भी लिखा गया है कि फंड्स विल बी प्रोवाइडेड टू वैदिक स्कूल्स फॉर प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ वैदिक रिलीजन। अब वैदिक स्कूल्स में कौन पढ़ते हैं, क्या मुझे आपको बताने की जरूरत है? इसके अलावा चौथा दावा यह कि मुसलमानों के लिए खास अस्पताल, क्या यह सच था? अब आपको बताते हैं कि क्या लिखा गया मैनिफेस्टो में। मैनिफेस्टो में लिखा गया है कि इट प्रॉमिसेस हेल्थ कार्ड्स एंड एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्पेसिफिकली टू पुजारीज एंड स्टाफ ऑफ 643 टेम्पल्स एंड द प्रमोशन ऑफ आयुर्वेदा, यूनानी एंड होम्योपैथी हॉस्पिटल्स। यानी कि इस तरह की मेडिकल सहायता हिंदू धर्म के लोगों को भी दी जाएगी। मगर इन चैनल्स ने क्या किया? इन चैनल्स ने जानबूझकर गलत खबर पेश की। इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं कि 6 और गलत दावे पेश किए गए थे, मगर मैं आपको सिर्फ 4 बता रहा हूं। देखिए, इससे क्या सवाल सामने उभर कर आते हैं। सवाल नंबर 1, इस झूठ का जवाब दे आखिर है कौन? सवाल नंबर 2, क्या ये चैनल्स माफी मांगेंगे? सवाल नंबर 3, मुसलमानों के खिलाफ लोगों को भड़काने के लिए क्या इन पर कानूनी कार्रवाई होगी? सवाल नंबर 4, धार्मिक भावनाएं भड़काने और माहौल बिगाड़ने के आरोप इन पर क्यों ना लगाए जाएं? क्योंकि आप ये झूठ परोसकर एक ऐसा समाज जो पहले से ही बटा हुआ है, जिसमें पहले ही खाइयां पैदा करने की कोशिश की जा रही है, एक पॉलिटिकल पार्टी का पिछलग्गू बनकर आप गलत बयानी कर रहे थे। क्या यह सही है? आप खुद बताइए, क्या यह सही है? न्यूज चैनल्स किस तरह से सत्तारूढ़ बीजेपी का पिछलग्गू बनकर काम कर रहे हैं, इसकी एक और मिसाल आपके सामने। क्योंकि पंजाब के कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू पर यह आरोप लगाया गया, पहले तो जब उन्होंने करतारपुर कॉरिडोर को लेकर पूरी मेहनत की, कोशिशें की, तो उन पर सवाल खड़े किए गए कि किस तरह से यह देश के लिए घातक है। और फिर जब वो करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन के लिए पाकिस्तान गए, तो उन पर क्या आरोप लगाया गया? कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू पर यह आरोप लगाया गया कि वो एक आतंकवादी गोपाल सिंह चावला से मिले। यही नहीं, एक न्यूज चैनल ने तो यह तक कह दिया कि इस टेररिस्ट के साथ नवजोत सिंह सिद्धू की सीक्रेट मीटिंग हुई। अब न जाने कौन से ख्याली पुलाव है। तो गोपाल सिंह चावला के बारे में कहा गया कि यह टेररिस्ट है। अब मैं आपको बता दूं कि प्रिंट इंडिया को गुप्तचर एजेंसीज ने यह बताया है कि गोपाल सिंह चावला आतंकवादी नहीं है। पंजाब पुलिस कह रही है कि यह आईएसआई का एजेंट हो सकता है। जी हां, क्या कह रहा है प्रिंट मीडिया, मैं आपको बताता हूं। सोर्सेज इन द इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज हाउएवर टोल्ड द प्रिंट दैट नॉट ओनली हैज चावला'स नेम नॉट क्रॉप्ड अप इन एनी टेरर केस बट इट हैज ऑल्सो नॉट फाउंड मेंशन इन इंटेल इंटरसेप्ट्स एंड इनपुट्स। चावला का नाम किसी आतंकवादी की लिस्ट में नहीं है। जो फोन कॉल के इंटरसेप्ट आते हैं, यहां पर भी चावला का नाम कहीं उभर कर नहीं आता है। आतंकवादी कौन है, मैं आपको बताता हूं। आतंकवादी ये हैं: रंजीत सिंह नीटा, लखबीर सिंह, वाधवा सिंह, हरमीत सिंह हैप्पी, और गोपाल सिंह चावला का नाम यहां पर नहीं है। मगर उससे बड़ा सवाल, और यह सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, सवाल नंबर 1,
अगर ये हकीकत है और अगर सिद्धू ने आतंकवादियों से मुलाकात की है, सीक्रेट मीटिंग की है, तो मोदी सरकार इस पर खामोश क्यों है? सवाल नंबर दो, सिद्धू को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ क्यों नहीं की जाती? अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ऐसा क्यों नहीं हुआ आपको मैं बताता हूं, क्योंकि जितनी काल्पनिक ये कहानी है, जितनी वाहियात ये कहानी है, कहीं ना कहीं मोदी सरकार भी ये जानती है, मगर मोदी सरकार या बीजेपी से बढ़ावा इसलिए दे रही है क्योंकि चुनावी मौसम है, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा होगा। लिहाजा एक विज्ञापन की उस लाइन को याद रखें, नो उल्लू बनाओइंग, समझे? मगर क्या इन न्यूज चैनल्स ने मोदी सरकार के यू टर्न्स पर सवाल किया? क्या आपने मोदी सरकार से इस बात को लेकर सवाल किया कि करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन 26/11 को हुआ था, वो दिन जब मुंबई में हुए हमले में कम से कम 200 भारतीय मारे गए थे? क्या भारत को उस वाकये की, उस घटना के दर्द का एहसास नहीं था कि हमने उसी दिन करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन कर दिया? और उससे भी बड़ी बात, रिपब्लिक टीवी जिसके संस्थापक बीजेपी के राज्यसभा सांसद राजीव चंद्रशेखर हैं, उन्हें संबित पात्रा ने इंटरव्यू में क्या कहा था करतारपुर कॉरिडोर के खुलने से पहले, मैं आपको बताना चाहता हूं। संबित पात्रा ये कहते हैं कि पंजाब जो है वो एक सीमावर्ती राज्य है, लिहाजा किसी भी तरह का कोई भी कॉरिडोर अगर खुला तो इससे जो है पाकिस्तानी निगरानी बढ़ जाएगी और ये भारत के हित में नहीं है। अब जैसे ही करतारपुर कॉरिडोर खुलता है, किस तरह से बीजेपी के नेताओं के तेवर बदल जाते हैं ये आप देखिए। अमित शाह अपने ट्वीट में कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं और इसका स्वागत करता हूं, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद। गृह मंत्री राजनाथ सिंह समझौते के बाद उन्होंने उम्मीद जताई कि पाकिस्तान धार्मिक यात्रियों को सभी सुविधाएं मुहैया कराएगा, यानी कि गृह मंत्री अब पाकिस्तान से उम्मीद कर रहे हैं कि वो सुविधाएं मुहैया कराएंगे। आप समझ रहे हैं क्या मतलब है? क्या इन तमाम बातों को समझौते से पहले तय नहीं किया जाना चाहिए कि कौन क्या सुविधाएं मुहैया कराएगा? यानी कि आप प्लेन से कूद जाते हैं और जब आप कूद जाते हैं तो आप यह चेक करने लगते हैं कि आपने पैराशूट पहना है कि नहीं। क्या आप देख सकते हैं कि विदेश नीति के नाम पर क्या हो रहा है इस देश में? सिर्फ इसलिए कि आपको लगता है कि सिख नाराज ना हो जाएं, सिर्फ इसलिए कि आपको लगता है कि आपकी सियासत कमजोर ना पड़ जाए, लिहाजा बगैर सोचे समझे आप इस समझौते में चले गए। आप जो पहले कह रहे थे वो आपने बाद में जाके पूरी तरह से यूटर्न ले लिया और किसी भी न्यूज चैनल ने इस यूटर्न पर सवाल नहीं किया। और सबसे ज्यादा हास्यास्पद या सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे द फॉल ऑफ बर्लिन वॉल बता दिया। वाह मोदी जी वाह। देखिए बर्लिन वॉल कब गिरी थी? जब ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी एक हुए थे। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान में जो तमाम मतभेद हैं वो दूर हो गए हैं? जी, क्योंकि आपने बहुत बड़े जुमले का इस्तेमाल किया है, अन्य कई जुमलों की तरह ये भी एक जुमला ही है। बर्लिन वॉल गिर जाने के मायने समझते हैं? और क्या किसी ने प्रधानमंत्री के इस बड़े बयान पर सवाल किया है? क्या आपने ये बयान जमीन की हकीकत को परख कर दिया है? देखिए मेरा मानना है कि पाकिस्तान को लेकर मोदी सरकार को ऑड इवन का खेल नहीं खेलना चाहिए, यानी कि ऑड डेज के दिन पाकिस्तान को लव लेटर लिखना बंद करो, इवन डेज के दिन आप अपने शपथ ग्रहण समारोह में नवाज शरीफ को बुला लेते हैं, ऑड डेज के दिन एक के बदले दस सिर, इवन डेज के दिन पठानकोट में हुए हमले के लिए आपने उसके मास्टरमाइंड आईएसआई को ही अपने सैनिक बेस में बुला लिया, ऑड डेज के दिन बगैर किसी को बताए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान पहुंच जाते हैं और नवाज शरीफ से गले मिलते हैं, इवन डेज के दिन हम पाकिस्तान से कभी बात नहीं करेंगे जब तक वो आतंकवाद को शह देता रहेगा। अरे भैया ये पाकिस्तान है, हलवा नहीं है, और रायता तो बिल्कुल नहीं है जो आप फॉरेन पॉलिसी के नाम पर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर कोई गंभीरता से सवाल नहीं कर रहा है। मगर इस वक्त जिस तरह का हम थिएटर ऑफ एब्सर्ड भारतीय सियासत में देख रहे हैं या गवर्नेंस के नाम पर देख रहे हैं, यकीन मानिए दोस्तों मेरे पास हंसने के या ठहाके लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो इसी तरह से न्यूज चक्र में हम आपसे जुड़े मुद्दे उठाते रहेंगे,
हम वो मुद्दे उठाते रहेंगे जिसे आपको समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि हमारा मानना है कि खबर वो नहीं जो आपको ये न्यूज चैनल्स दिखाते हैं, खबर के पीछे की खबर आपके लिए जरूरी है, जिन्हें ये बड़े खिलाड़ी किस तरह से मैनिपुलेट करते हैं, किस तरह से उंगलियों पर लोगों को नचाते हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत और न्यूज क्लिक के हमारे इस वीडियो न्यूज चक्र को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।